पवन सिंह से कांप गई बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, बिहार के कराकाट में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गजब का जलवा है। बिहार के कराकाट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पवन सिंह का ही जलवा है। चारों तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का ही चर्चा हो रहा है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं भारत में, यानी लोकसभा का उम्मीदवार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ पवन सिंह का ही चर्चा हो रहा है। और इसी जलवा को देखकर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से पवन सिंह से कांप गई है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में बीजेपी के दिग्गज नेता लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के कराकाट में चुनाव प्रचार करने के लिए 24 मई को आने वाले हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और 25 तारीख को नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, 26 तारीख को आने वाले हैं जेपी नड्डा, और 28 तारीख को आने वाले हैं अमित शाह, 29 तारीख को आने वाले हैं राजनाथ सिंह। ये सभी दिग्गज नेता लोग हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले हैं बिहार के कराकाट में। लेकिन पवन सिंह ने भी जबरदस्त उपाय लगाया है। कैलर राघवानी आ रही हैं 25 तारीख को चुनाव प्रचार करने के लिए, 28 तारीख को खेसारी लाल यादव, और भी बहुत सारे कलाकार लोग आने वाले हैं पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए कराकाट में। और जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। बाकी बीजेपी पार्टी पवन सिंह से पूरी तरह से कांप गई है। इतना दिग्गज लोग किसी भी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करने के लिए कराकाट आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।